आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। ये आप एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आम लिया है, कच्चे आम है ये। इसे हम पहले अच्छे से छील लेंगे। सारे आम को हमने छील लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये साइड वाला काट के हमें हटा देना है और हम इसे स्लाइस में कट कर लेंगे। इसका जो बीच वाला बीच है वो हम निकाल के फेंक देंगे। अब हम इसे काटेंगे। आम को हमें इसी तरह से काटना है। सारे आम को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसे धो लेंगे। हम इसे साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। धोकर हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कलौंजी और सौंफ हम इसमें डालेंगे और एक सूखी लाल मिर्च तीखे के लिए। अब हम इसमें आम डालेंगे। थोड़ी देर हमें आम को फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, नहीं तो आम हमारे जल जाएंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, गैस का फ्लेम को आप हाई रख सकते हैं। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। आम हमारी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें मीठे के लिए डालेंगे गुड़। आप इसके जगह चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ डाल के हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो। दो मिनट बाद हम देखेंगे आम की खट्टी मीठी चटनी हमारी रेडी है बनकर। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।